बहुत देर बातचीत करने के बाद जेडी दीदी फाइनली जा। यहाँ मछली में दूसरा बार डाल चुकी हूँ, इधर एक में डाल चुकी हूँ और कहाँ देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बैग। अब सबीना भी इधर लग चुकी है, दिखाओ सबीना को। इधर सबीना बन के रेडी हो चुका है एकदम टेस्टी सा लोके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एकदम सुबह से स्टार्ट करने वाली थी लेकिन बीच में सुबह इतना बारिश हो रहा था कि मैं कुछ भी वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट बन चुका है, तभी मुझे बनाना पड़ेगा फिर से रोटी, क्योंकि जेडी दीदी को आज फिर से रोटी खाने का मन कर रहा है। तो मुझे फ़ोन करके बोली कि रोटी खाने का मन कर, मैं बोली आ जाने के लिए। तभी तो ब्रेकफास्ट रोटी बाद में बनाएंगे, तभी चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि उन लोग थोड़ा लेट से ही आएंगे बोले हैं। तो फ्रेश हो जाऊंगी क्योंकि इतना ठंडी मौसम भी है, तो पानी गर्म कर चुकी हूँ मैं। तो फ्रेश होकर फिर उसके बाद देखेंगे, जेडी दीदी और रूपम भैया भी साथ आने वाले हैं, दोनों लोग आएंगे तो देखते हैं क्या बनाएंगे। ऐसे चिकन मटन तो कुछ ही नहीं, लेकिन जो होगा वो बना देंगे रोटी के साथ, क्योंकि रोटी बनाना है अभी मुझे। तो चलते हैं बनाने के लिए, तब पहले फ्रेश हो जाएंगे फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या बनाते दिखाते आप। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले चुकी हूँ बैगन और इसमें मिर्चा अदरक और मिर्चा लहसुन और लाल मिर्च पाउडर डाल के पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी इसको पूरा। इसको बैगन फ्राई बनाएंगे अभी, इसको पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद मैं रोटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आटा सान के पूरा रेडी कर चुकी हूँ और कुछ इतने सारे बचे हुए और कुछ इधर एक में डाल चुकी हूँ और कहाँ कुछ इतना बना चुकी हूँ मैं रोटी। तो इसमें तेल लगाने वाली थी लेकिन तेल वाला उनको ज़्यादा पसंद नहीं, इसके वजह से सूखा रोटी बना रही हूँ। देख सकते हैं कितना गोल रोटी हुआ मेरा, आप लोग से होता है कि नहीं जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसा रोटी मेरे से रोटी बहुत अच्छा बनता है, अपना तारीफ खुद कर रही हूँ। तभी इधर रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये बैगन को मैं पूरा अच्छे से मिक्स करके छोड़ दी हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से इसमें नमक वमक चल जाए, तब इसको बनाना होगा मुझे। ये रहा रोटी, यहाँ तेल हो चुका है पूरा गरम, तब मैं इसमें ये बैगन फ्राई को बनाऊंगी। इस तरह से तावा में बनाने से पूरा अच्छे से लाल हो जाता है, इसलिए मैं तावा में बनाना पसंद करती हूँ, तो मछली की तरह हो जाएगा ये। ब्लर हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बैगन पूरा टेस्टी से फ्राई हो चुका है। एक साइड हो चुका है, एक साइड और मुझे करना पड़ेगा। तो इधर अपना रोटी भी बन चुका है, पूरा रोटी बन गया कंप्लीट। तो बैगन का फ्राई बनाएंगे, फिर अभी टमाटर की चटनी भी बनाना होगा मुझे। तो अभी मस्त फ्रेश भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जेडी दीदी और रूपम भैया नहीं आए। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं दुकान जाके आ जाऊँगी ताकि उनको बहुत समय लगेगा, शायद 12 बजे तक आएंगे, तब तक अपना दुकान का थोड़ा काम कर लेंगे। इतना ठंडी में मज़ा लग गया हमको। सबीना भी फ्रेश हो चुकी है एकदम मस्त अच्छे से। तो इधर कुछ अपने कपड़े सिलेंगे थोड़ा, और थोड़ा रिपेयरिंग है तो चलते हैं, थोड़ा काम कर लेंगे फिर उसके बाद कब तक आते हैं लोग देखते हैं। मैं ब्रेकफास्ट सब बना के रख चुकी हूँ, जब आएंगे लोग तो मैं दिखाऊंगी क्या क्या बनाई हूँ। ना इंतज़ार करने के बाद फाइनली आ चुके हैं रूपम भैया और इधर जेडी दीदी, उधर रूपम भैया। और जेडी दीदी आजकल चेंज हो रही है, थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, दिन पे दिन और चेंज होगी। पूरा 12 बज के पार हो गया इंतजार करते करते, चलते मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं की आप लोगों के लिए, रुक रुक के। तभी इनका फोन भी चार्ज करना है क्योंकि इनके बस्ती में लाइट नहीं है। हम लोग का तो कल शाम को आ गया घर बंदे मेरे हमी। तो यहाँ जेडी दीदी अपना चार्जिंग सब पावर बैंक मोबाइल वगैरह वगैरह सब लगा रही है और अपना जुगाड़ लेकर आई है। रूपम में का लगाइए, आप भी लेकर आए। फ्लाइट मोड करके रखा, इतना फोन लगाया, इतना फोन लगाया है, पूरा दुनिया। यहाँ मैं सबसे पहले जेडी दीदी और रूपम भैया को देने वाली हूँ बेर, जो मेरे अबू सुबह सुबह लेकर आए थे आज। तो कुछ चार इतने बड़े बड़े बेर, तभी इसको खाएंगे बैठ के। ये खाना है, ये ओ बेर एकदम बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा वो है ना, लोकल है वो, खमती वहाँ से मालिक घर से लाया एकदम। मिठाई भी हम खाए, काट के खाए जाते, ऐसे ही ऐसे भी टेस्टी लगता है ना। रूपम में कहाँ गए, यहाँ मैं ब्रेकफास्ट निकाल चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, टमाटर की चटनी मीठी वाली और इधर लौकी की सब्जी और ये बैगन का फ्राई और रोटी, कुछ इतने ही है नाश्ते के लिए। तभी हम लोग जाएंगे, तीनों लोग करेंगे, तीन प्लेट निकाल चुकी हूँ इधर। जेडी दीदी रूपम भैया वेट कर रहे, चलते हैं साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे अभी।
ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो रहा है जेड दीदी। हाँ। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ हो रहा है, लेके आओ लाडो, चलते हैं। जेडी दीदी इधर आइए अपना प्लेट लेने के लिए। तो यहाँ अभी ब्रेकफास्ट ला चुकी हूँ और इधर जेडी दीदी। रूपम भैया कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। रूपम भैया थोड़ा डायलॉग मारी था, जेडी का रोटी क्यों टाइट होता है? जाके क्या बोलते हैं जेडी दीदी को? मेरे हाथों में जादू नहीं है। इसको हम बोला है गर्म पानी के साथ करने से, आप लोगों ने बोला ना। हाँ, गर्म पानी से, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना? फिर भी नहीं होता, नहीं होगा सब। नहीं, ये कौन सा दूसरा प्लेनेट का आता है ना, मैदा लगता है। नहीं, हम लोग का ऐसा होता है ना, हम लोग जितना भी ट्राइब्स लोग होता है, ऐसा नॉर्थ इंडियन वाला जो खाना होता है नहीं बनाने सकते इतना। हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं है ऐसा खाना में, तो आप लोग तो अभी आप सुबह में बोला अभी आया इतना लेट, तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो रहा है यहाँ एक के साथ। यहाँ मूली का अचार भी मैं दे चुकी हूँ, अब हम लोग तीनों लोग साथ में खाएंगे। लड्डू भी खाएगी ना? चलो लड्डू मेरे साथ खाएगी। तो यहाँ मैं तो पूरा फिनिश कर दी, लेकिन जेडी दीदी कुछ कुछ छोड़ चुकी है। क्योंकि क्यों जेडी दीदी? ये वाला अच्छा लगा है, ये वाला अच्छा लगा है। हाँ। लौकी का सब्जी। हाँ। लेकिन ब्रेकफास्ट की थी इसके वजह से ना। रूपम भैया उधर खा रहे, फिनिश कर दूंगा। रूपम भैया फिनिश करने वाले। रूपम भैया का स्टाइल देखिए एक बार। हाँ, क्या ऐसा कॉकटेल सब मिक्स करता हूँ मैं एक बार में। ये है कॉकटेल। रुको, चटनी नहीं आया, चटनी नहीं आया, आ गया अभी। हाँ, अभी कॉकटेल। चीयर्स। रूपम भैया को रोटी बहुत पसंद है, इसलिए रूपम भैया फिनिश किए। इधर जेडी दीदी छोड़ा है एक टुकड़ा बस, ये भी फिनिश कर देंगे। बहुत देर तक लाइव आया, पूरा एक घंटा तक ना। और लाइव में बहुत ही मजा आ रहा था, और मेरा 9K भी कंप्लीट हो गया लाइव आने के वजह से, क्योंकि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया अभी जब हम लोग लाइव आए थे। तो अब थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे, और इधर जेडी दीदी जो लेकर आई थी ऑरेंज उसको खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद जेडी दीदी लोग भी जाने वाले हैं। रूपम भैया लाइव आएंगे ना? रूपम भी आप लाइव आने वाले हैं, अब उनका कमेंट में थोड़ा जाकर देखना पड़ेगा अपना खूबसूरत खूबसूरत कमेंट। क्या मजा मजा कमेंट आ रहा है। तो देखते हैं रूपम भैया लाइव में थोड़ाएंगे ऑरेंज खाते खाते। ओ मां, आँख में लग गया, आँख में लग गया। तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है फिर से दुकान। जेडी दीदी रूपम भैया बैठे हुए हैं, और रूपम भैया थोड़ा लाइव आए, इसके वजह से थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा थोड़ा कुछ काम बाकी है, वो काम खत्म करके फिर मैं आऊंगी। तब उसके बाद मुझे अभी बनाना होगा फिश। मेरे अबू छोटे छोटे वाले फिश लेकर आ चुके हैं, तो आज के डिनर पे फिश बनाना है, तो मुझे उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। जब जेडी दीदी रूपम भैया चले जाएंगे फिर उसके बाद साफ सफाई करूंगी। तो अभी चलती हूँ पहले दुकान, थोड़ा जो काम बचा था उसको कंप्लीट करके आऊंगी, तब तक उनका लाइफ खत्म हो जाएगा। यहाँ सभी ना अभी चाय बना चुकी है जेडी दीदी और रूपम भैया के लिए। वैसे मैं बोली थी जो भी घर पे आता है सबीना के हाथों का चाय पी के जाता है, ये टेस्टी वाला चाय। इधर बिस्किट। तभी जाने वाले थे लेकिन सभी ने चिल्ला रहे थे, मुझे पता नहीं था कि चाय पीने के लिए चिल्ला रहे। पीजिए आप आंटी, पिएगा थोड़ी देर के बाद। लाइट चला गया इसके वजह से मेरे वीडियो क्वालिटी थोड़ा काला काला आ रहा है। हाँ, और ठीक है। इधर सभी ना बोलो मोस्ट वेलकम, जिसको चाय पीने आ सकते बड़े घर में। बहुत देर बातचीत करने के बाद जेडी दीदी फाइनली जा रही है, एकदम अच्छे से जाइए। शाम हो गया है, ज्यादा शाम तक हम लोग नहीं रुका रहे, क्योंकि अभी जेडी दीदी अकेला नहीं है, इधर डबल है कुछ कुछ, इसलिए मम्मी भी बोली है कि जल्दी से घर चले जाने के लिए। शाम को इस तरह घुमाने जाता है। हम लोग फिर मिलेंगे कब पता नहीं, जब फिर मन करेगा फिर फोन कर दीजिएगा। आना तो रुको, मैं झूठ बोलने का जरूरत नहीं, आप बोलेगा हमको भी रोटी खाने का मन कर रहा है, आ जाइएगा। हाँ, नहीं फिर भी मैं झूठ बोल के ही आऊंगा। मैं बोलूंगा जेरी को खाने मन है और मैं आके खुश के जाऊंगा। बदनाम कर रहा है, बदनाम। जेरी दीदी के नाम पे सब जगह बदनामी होगा। चलो ठीक है, बाय बाय बाय, फिर आएंगे, फिर कब मिलेंगे देखते। रोटी खिलाने के लिए थैंक यू। छेतु रोटी बार बार काम कर रहे हैं, पेट भरेगा। ठीक है, जाइए अच्छे से। बाय। तभी जेरी दीदी रूपम भैया जा चुके हैं, तभी मुझे बनाना होगा फिश, ये लोकल फिश जो अबू मेरे लेकर आए हैं। तो अभी मुझे इसको सबसे पहले साफ करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद मैं इसको कैसे बनाऊंगी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत रेसिपी आप लोगों को। तो चलते हैं, इसको पहले जल्दी से साफ कर लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो खराब होने पर अलग से गंद आता है इसके वजह से, तो जल्दी जल्दी इसको साफ कर लेते हैं।
मछली को पूरा अच्छे से कुछ हाफ के जी ना, एक हाफ के जी से थोड़ा ज्यादा है शायद। तो यहाँ मैं फिश सफा करने के लिए ली हूँ, इधर जो लकड़ी से निकलता है राख बोलते हैं उससे पूरा अच्छे से फिश सफा हो जाता है, तभी मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इधर एक कर चुकी हूँ, इस तरह से मुझे अभी ये सब करना पड़ेगा। जल्दी से ये सब कर लेते हैं क्योंकि ये सड़ने वाला है, मतलब गलने वाला है, गल जाएगा तो अच्छे से साफ भी नहीं होगा। तभी इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ मैं मछली को पूरा अच्छी तरह से निकाल चुकी हूँ छोटा, और अब सबीना भी इधर लग चुकी है। दिखाओ सबीना को, इधर सबीना भी लग चुकी है मछली, और इधर जानवी पतली, जानवी पतली मुस्कुराते हुए सेक्सी फिगर, सेक्सी फिगर। दिखाओ इधर, इधर सन्नी ली, और यहाँ मछली का मैं अभी देखो मछली को कैसे साफ कर रहे हैं। यहाँ मछली का जितना ये माथा, मतलब ये जो होता है इसमें गंदा होता है, ये वाला साफ करके और इसके पेट को मैं इस तरह से फाड़ के और इसके पोंछ को इस तरह से तोड़ के पूरा इतना मछली हम लोग साफ कर चुके हैं दोनों जन मिलके। अब यहाँ सिर्फ जानवी को क्यों दिखा, बम्बू बम्बू बम्बू, वाह बम्बू की खुशी, बम्बू की खुशी, जानवी के निकनेम बम्बू। आप इसको मुझे पानी में पूरा अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, तभी पूरा भी क्लीन क्लीन अच्छी तरीके से व्हाइट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग पूरा क्लीन हो चुका है, इतना अच्छे से चमक रहा है। इसलिए हमेशा हम लोग राख में साफ करते हैं ताकि बाद में धोने के बाद एकदम क्लीन क्लीन हो जाता है। तब इसको पूरा अच्छे से धो के फिर इसको फ्राई करना होगा मुझे, तो जल्दी से धो लेते हैं इसको। यहाँ मछली के लिए मैं मसाला कुछ ये ले चुकी हूँ, लहसुन जीरा गोलमरीच, हल्के हल्के जीरा गोलमरीच है, और सरसों, क्योंकि मछली में सरसों का मसाला ही डाला जाता है। और इधर मछली में मैं हल्दी डाल के रख चुकी हूँ, पहले मसाला रेडी कर लेती हूँ फिर एक ही बार मछली फ्राई करेंगे और एक साथ बना के तब खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं पहले मसाला को पीस लेते हैं। यहाँ मछली में दूसरा बार डाल चुकी हूँ और इधर एक बार का फ्राई हो चुका है मछली अपना, तब इसी तरह से करके ज़्यादा हम लोग फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें झोल बनाना है अभी इसके वजह से, और कुछ इतने बचे हुए हैं तो ये पूरा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग पूरा मछली फ्राई हो रहा है एकदम मस्त। और इधर अपना मसाला भी हो चुका है रेडी, तो मछली फ्राई होने के बाद फिर मछली बनाएंगे साथ ही साथ, इसके वजह से मैं साथ में मछली फ्राई कर रही हूँ। वाह तो मछली फ्राई तो दाल चावल के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा एकदम। यहाँ मछली हो चुके हैं पूरा एकदम फ्राई, और इधर मैं मसाला भी कर रही हूँ, मसाला भूज रही हूँ, तो अभी मसाला भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन अभी मैं इसमें एक करूँगी, मैं ऐड करूंगी ये वाला टमाटर, इसमें कुछ 3 टमाटर मैं काटी हूँ, आज टमाटर ज़्यादा ऐड करेंगे हम लोग। तभी टमाटर डाल के थोड़ा मसाला पका लेते हैं, फिर उसके बाद फिश डालेंगे। तो यहाँ मसाला हो चुका है अच्छे से भूज के रेडी हो चुका है, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर ये वाला फिश को डाल दूंगी। तो थोड़ा पानी डाल लेते हैं इसको, ताकि सिरवा तो थोड़ा चाहिए ही, कितना टेस्टी से ये हुआ है देख सकते हैं आप लोग पूरा मसाला। तो यहाँ मैं पानी भी डाल चुकी हूँ, अब इसमें ये फिश सब डाल के ढपका देते थोड़ा देर, उसके बाद इसमें डालना होगा मुझे धनिया के पत्ता। कहीं मत, यहाँ मछली बन के पूरा रेडी हो चुका है, बस लास्ट मुझे ये धनिया पत्ता डालना है, जो अभी मैं पूरा ताजा ताजा धनिया लेकर आई हूँ। तो ये धनिया पत्ता डाल के और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे पूरा अच्छे से, फिर इसके बाद पूरा धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें असली वाला मछली का स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ अपना डिनर बन के रेडी हो चुका है, एकदम टेस्टी सा लोकल फिश, और इधर अपना रोटी भी बन के रेडी, और ये रहा एकदम लोकल चावल, देख सकते हैं एकदम लोकल चावल ही, एकदम टेस्टी लग रहा है एकदम, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा है। चलते हैं अब डिनर करने के लिए, टेस्टी सा फिश और रोटी चावल। तो अभी अपना डिनर भी हो चुका है, अब समय है सोने का, तो अभी मुझे वीडियो एडिट करना पड़ेगा, इसके वजह से आज के ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ। और थैंक यू सो मच, आज मेरा 9K कंप्लीट करने के लिए सब आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हुआ। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए बाय एंड